नमस्कार प्रिय मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी पर। ईश्वर की कृपा बनी रहे आप सभी के जीवन में, सभी खुशियाँ आएँ ऐसी शुभ मंगल कामना करते हुए आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी के स्वप्न का फल आप तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, हम सभी सपने देखते हैं और अपने सपनों का अर्थ भी जानना चाहते हैं। सपने हम तभी देखते हैं जब निद्रा अवस्था में होते हैं और इस संसार को पूर्णतः भूल चुके होते हैं। तो दोस्तों, हमें अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं और स्वप्न कभी प्रेम भरे तो कभी डरावने होते हैं। हम अपने सपनों का मतलब भी जानना चाहते हैं, तो चलिए हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे स्वप्न संहिता के अनुसार स्वप्न में हाथ में मेहंदी या पैर में मेहंदी या लगाते हुए या किसी के लगे हुए मेहंदी देखा है तो उसका क्या फल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने भी स्वप्न में देखा है मेहंदी को तो ये स्वप्न शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है आगे आने वाले जीवन में आपके कठिनाइयां आ सकती हैं और कहीं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। साथ ही आपको आगे बहुत परिश्रम करना होगा, लेकिन अगर आप उसी कार्य में लगे रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन अभी कुछ समय तक आपको अपने कार्य में पेशेंस रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, वैसे तो मेहंदी लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और इससे हाथ की सुंदरता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, खूबसूरती का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, सपना अगर देखा है आपने मेहंदी का तो ये थोड़ा अशुभ माना जाता है। तो आज के वीडियो में हमारी यात्रा यहीं पूरी होगी, आगे लेकिन चलती रहेगी। हम आपके लिए आपके स्वप्न का फल आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपको करना ये है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अपने सपनों का शुभाशुभ फल जानते रहिए। तो मुझे अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।